हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये मैं एक क्विक वीडियो लाया हूँ टॉर्टोइस रिंग के ऊपर। आजकल जनरली आपने देखा होगा कि लोगों ने पहनी होती है, कोई चमत्कारी अंगूठी के नाम से इसे कोई बेचता है या कहीं, और आजकल कॉमन है, काफी लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या क्वेश्चनिंग है। तो ये क्विक वीडियो है इसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले इसकी फायदे की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस और कैसे यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये टॉर्टोइस रिंग है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात ये है, पहले तो इसे जो पहनना है, कछुए का मुंह बाहर की तरफ ना हो, आपकी फिंगर में ये ऐसे आना चाहिए, कछुए का मुंह अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ रहना चाहिए इसका मुंह, बाहर की तरफ नहीं। इसका लॉजिक ये है कि अगर बाहर की तरफ इसका मुंह रहेगा तो जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप ग्रो कर रहे हो, वो खर्चा होता जाएगा, वो बाहर ही जाता जाएगा, घर में नहीं सेव होगा। ये एक इसका फैक्ट है और वास्तु में भी इसे माना गया है। और इसे पहनना किस हाथ में है? मेल्स के लिए तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर, इन दोनों फिंगर्स में पहनना है, और फीमेल्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड की दोनों फिंगर्स में पहन सकते हैं। और इसे परचेज करना है आपको फ्राइडे वाले दिन ही, और फ्राइडे वाले दिन ही इसे धारण करना है। परचेज करिए सुबह, या कोशिश करिए एक फ्राइडे को आप परचेज कर लें, नेक्स्ट फ्राइडे को सुबह गंगा जल में धो के इसे फिर इसे पहने। अर्ली मॉर्निंग पहने तो ज्यादा बढ़िया है, बट अगर नहीं टाइम मिल रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो जब भी आपको टाइम लगे फ्राइडे वाले दिन इसे पहन लीजिए गंगा जल से धो के। तो ये दोस्तों कुछ इसके मेजर टिप्स थे, और पहनने की विधि और धारण करने का दिन फ्राइडे, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पहनना उसी दिन। और ये आपको लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगी, नकारात्मक चीजों से दूर रखेगी, आप में एक पॉजिटिव चीज का संचार होगा जो आपके करियर वाइज, आपकी हेल्थ वाइज, आपके सराउंडिंग, ये सारी चीजों को इम्प्रूव करेगा और आपको खुशी, तरक्की, उन्नति प्रदान करेगा। और एक और चीज दोस्तों ऐड करना चाह रहा हूं, जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और अगर उन्हें लगता है उनके पास पैसा है, तो इसे सोने में भी धारण कर सकते हैं। कईयों का होता है कि नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे सोने में पहनना है, तो उनके लिए एडवाइस है कि इसे सोने में भी धारण ना करें। इसे कछुए को स्पेशली, कछुआ चांदी में ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप चाहे सोने की परत चढ़वा के इसे पहन लें, बट ये चांदी में ही रहना चाहिए। नीचे का पार्ट करवा लीजिए, गोल्ड का करवाना है, बट रिंग कछुआ हमेशा चांदी का रहना चाहिए, उसके ऊपर सोने का आप काम करवा सकते हैं।